हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय सेल्फ पूजा लिमानी फ्रॉम यूनिटी पब्लिक स्कूल कामरेज, स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर 16, गेम्स वी प्ले। यहाँ पे हमारा चैप्टर 16 है, गेम्स वी प्ले। चलो हम पढ़ते हैं। ऑल द चिल्ड्रंस वेर प्लेइंग स्टेपो हॉस्कॉच इन द लेन। यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? स्टेपो, एक ही लैंड में। अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वेर ऑल्सो प्लेइंग। अवंतिका और उसकी सिस्टर नंदिता, वो दोनों भी साथ में खेल रहे हैं। बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। पर नंदिता अच्छे से गेम खेल नहीं रही थी। अवंतिका, लिसन टू मी केयरफुली। अवंतिका बोली, मुझे ध्यान से सुनो नंदिता। अंडरस्टैंड द गेम, तुम गेम को समझो। थ्रो द मार्कर टिप्पी, मार्कर को क्या बोलते थे? टिप्पी। इन द फर्स्ट बॉक्स, पहले बॉक्स में वो मार्कर को फेंको। देन ऑन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इन टू द नेक्स्ट वन, और बाद में दूसरे बॉक्स में जंप करो। कीप इन माइंड, वो ध्यान वो अपने माइंड में रखो, वो ध्यान रखो कि यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टुगेदर ओनली इन द बॉक्स। ये ध्यान में रखो कि आपको दोनों पैर कहाँ पे रखने हैं, 4, 5 और 7, 8 स्टेप पर आपको दोनों पैर रखने हैं। टेक केयर और संभल के, योर फीट शुड नॉट टच द लाइन। और ये ध्यान में रखो कि लाइन को आपके पैर टच ना हो। इफ इट टच यू आर, अगर आपका पैर लाइन को टच हो गया तो आप गेम से बाहर निकलोगे। व्हेन यू रीच द लास्ट बॉक्स, एंड आप लास्ट बॉक्स में पहुंचो, तब टर्न अराउंड, पीछे मुड़ के, व्हेन कमिंग बैक आपको वापस आना है। पिक अप द मार्कर, एंड आपको वो डिपी लेनी है, एंड ब्रिंग इट बैक, और वापस आ जाना है। नाउ थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट बॉक्स। ऐसे ही पहले बॉक्स, बाद में दूसरा बॉक्स, यानी बाद में तीसरा, चौथा, वैसे ही पूरी गेम आपको खेलनी है। सिमिलरली कीप थ्रोइंग द मार्कर इन ऑल द बॉक्स वन बाय वन, कंटिन्यू द गेम। ये गेम ऐसे खेलनी है कि आपको वन बाय वन बॉक्स कंप्लीट करने, और आपको पूरी गेम ऐसे ही खेलनी है। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। बाद में सारे बच्चे फिर से खेलने लगे। सिंग लॉन्ग, लंबे समय तक खेले। चाची वॉज वॉचिंग देम प्ले। वहां पे चाची वो देख रही थी जो सारे बच्चे खेल रहे थे। वो सी टू फ्लैट लाइक प्लेइंग विद देम, उसे भी खेलने का मन कर रहा था। शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग। वो ये सोच रही थी कि मैं कैसे बच्चों से ये पूछूं कि मैं भी खेलना चाहती हूँ। कैन आई प्ले विथ यू? द चिल्ड्रंस लाफ अलाउड। सब बच्चे हंसने लगे। अवंतिका, चाची यू विल प्ले, आप खेल सकते हो? अवंतिका ने बोला, चाची डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले स्पोर्ट? चाची ने कहा कि मैं भी, मुझे भी आता है ये खेलना। एट योर एज वी प्ले सो मैनी डिफरेंट गेम्स। और मैं जब आपके एज की थी तब मैंने कितने सारे गेम खेले हैं। नंदिता, विच गेम्स डिड यू प्ले? चाची, आप कौन से गेम खेल रहे थे? नंदिता ने बोला, चाची लंगर दी डन, हाइड एंड सीक, सेवन टाइल्स एंड सो मैनी मोर। ये सारे गेम वो खेलते थे। इन कबड्डी अवर टीम वॉज द बेस्ट अमोंग 10 विलेज। और हमारी कबड्डी टीम तो 10 गांव से भी ज़्यादा बेस्ट थी हमारी कबड्डी टीम। रजत, रजत बोल रहे, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम? आपको इतना सारा टाइम कैसे
कैसे मिलता है, वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। क्या आपको टाइम मिलता है इतना सारे टाइम? क्यों आपको इतना सारे टाइम क्यों मिलता है? चाची यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम, और आप सब पूरे पूरे दिन टीवी देखते रहते हो। नंदिता चाची डिड चाचा प्ले दिस गेम टू? और चाचा भी ये गेम खेलते थे। चाची योर चाचा से दैट ही यूज टू प्ले मार्बल्स। आपके चाचा मार्बल्स, सेवन टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड सो मैनी अदर गेम्स द होल डे। वो पूरे दिन सेवन टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिल्ली डंडा वो सारी गेम्स खेलते थे। वाइल फ्लाइंग काइट्स वो पतंग भी उड़ाते थे। ही वुड इवन फॉरगेट हिज मील्स। और वो पूरे दिन पतंग भी उड़ाते थे, ये पूरे दिन खेलते ही रहते, वो अपना खाना भी भूल जाते थे। नंदिता चाची डू कम एंड प्ले। चाची चलो हम खेलते हैं, आओ और हम खेलते हैं। चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रंस, और वो बच्चे के साथ खेलने लगी। चाची देन हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेन। और थोड़ी देर उसने खेला और बाद में बारिश आने लगी। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे चेस खेल रहे ऑल द चिल्ड्रंस। ओह नो, सब बच्चों ने क्या कहा? ओह नो, ये क्या हुआ? चाची लेट अस गो टू माई होम, चलो मेरे घर आओ। विल प्ले इन साइड, हम घर के अंदर खेलेंगे। द चिल्ड्रंस वेर हैप्पी टू हियर दिस, और वहाँ पे सारे चिल्ड्रंस खुश हो गए और वहाँ पे गए और चाची के घर पे गए। ऑल द कम ऑन, चलो जाते हैं, लेट्स गो टू चाची हाउस टू प्ले चिल्ड्रंस। सब बच्चों ने क्या कहा? चलो हम जाते हैं और चाची के घर पे खेलेंगे। द चिल्ड्रंस कैम टू चाचीज हाउस, और सारे बच्चे चाची के घर चले गए। इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ वेर प्लेइंग चेस, और वहाँ पे चाची के घर पे चाचा और बुआ साथ में चेस खेल रहे थे। अवंतिका वो व्हाट शुड वी प्ले, हम क्या खेलेंगे? रजत, लेट अस प्ले हाउस हाउस, घर घर खेलते हैं। रजत ने क्या बोला? चलो हम घर घर खेलते हैं। मैनी चिल्ड्रंस, सारे बच्चों ने कहा यस यस लेट्स प्ले हाउस हाउस, चलो हम घर घर खेलते हैं। हाँ हाँ हम घर घर खेलते हैं। रजत इफ वी हैड अ डोल, और हमारे पास डोल तो है, हमारे पास डोल है, वी कुड हैव प्ले विथ इट, अगर हमारे पास डोल होती तो हम इससे खेलते। चाची डू यू वॉन्ट अ डोल, क्या आपको डोल चाहिए? लेट अस मेक वन राइट अवे, चलो आपको अभी डोल चाहिए चाहिए तो मैं अभी के अभी बना देती हूँ, चाची ने कहा। चाची टुक आउट सम ओल्ड क्लॉथ, चाची ने पुराने क्लॉथ लिए, कपड़े लिए। विद चाचीज हेल्प चिल्ड्रंस मेड अ डोल, और चाची के साथ, चाची की मदद से चिल्ड्रंस ने, सारे बच्चों ने डोल बना दी। सम चिल्ड्रंस वॉन्टेड टू प्ले कैरम, और थोड़े थोड़े जो कुछ दूसरे बच्चे थे वो कैरम खेलना चाहते थे, और अडल्ट और दूसरे थे वो लूडो खेलते थे। दे फॉर्म ग्रुप्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग, वो अपने अपने ग्रुप बनाकर वो खेलने लगे। नेक्स्ट डू यू प्ले एनी गेम सिमिलर टू हॉपस्कॉच, व्हाट डू यू कॉल इट? ड्रॉ द फिगर दैट यू मैंट टू प्ले द गेम्स इन द स्पेस बिलो, यहाँ पे आपको जगह दी, वहाँ पे आपको जैसे जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ करके बताइए, वैसे आपको ड्रॉ करनी है। कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के अंदर खेली जाती है। ओके यहाँ पे स्पेस दिए, वहाँ जैसे कि वह स्टेप वो जैसा गेम था वैसे आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे डू यू प्ले सम गेम्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड विच गेम्स एंड विथ हूम, और यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स, और यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स यानी आपके मदर मदर फादर
ब्रदर सिस्टर ग्रैंडफादर जैसे गेम खेलते हैं उसका यहाँ पे आपको नाम लिखना है कि जब भी फैमिली मेम्बर्स फ्री होते हैं तब कौन से गेम खेलते हैं उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट राइट द नेम्स ऑफ ऑल द गेम्स मेंशन इन द लेसन इन द टेबल बिलो। यहाँ पे नीचे दिया गया है आपको टेबल्स इसके अंदर आपको गेम्स के नेम लिखने हैं और ये आपको यहाँ पे चित्र बनाना है इन फ्रंट ऑफ दिस गेम्स दोस गेम्स दैट वन प्ले इंडोर्स। और अगर घर के अंदर खेलना जो भी गेम्स का नाम लिखते हैं हम वो अगर इंडोर गेम्स होगी घर के अंदर खेली जा सकती है तो वहाँ पे आपको ऐसा चित्र बनाना है और घर के बाहर खेली जाती है तो आपको ऐसा चित्र बनाना है दैट वन प्ले इंडोर्स अगेंस्ट द आउटडोर गेम्स मैंक अ ट्री। डोंट फॉरगेट टू राइट द नंबर ऑफ प्लेयर्स नीडेड फॉर द गेम्स। और ये गेम्स में कितने हमें प्लेयर्स चाहिए इसके नंबर लिखने हैं। इफ़ सम अदर थिंग्स आर ऑल्सो नीडेड टू प्ले द गेम्स और प्ले और गेम खेलने में कौन कौन सी हमें चीज़ें चाहिए वो भी आपको साथ में लिखना है। देन राइट देयर नेम्स एज वेल यहाँ पे आपको लिखना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया आप दूसरा भी लिख सकते हो। नेम ऑफ द गेम्स मेंशन इन द लेसन हमारे लेसन में जितनी भी गेम्स है हमें यहाँ पे मेंशन कर दिए नंबर्स ऑफ प्लेयर्स एंड थिंग्स नीडेड और जरिया चीज़ें यहाँ पे लिखी है। अगर इंडोर गेम्स है तो हम हाउस बनाएंगे और आउटडोर गेम्स है तो हम ट्री बनाएंगे स्टेपो। तो यहाँ पे ट्री आउटडोर गेम्स और प्लेयर्स टू एंड स्टेप एंड चॉक। ओके लगरी टाइम तो आउटडोर गेम्स यानी ट्री बनाया और प्लेयर्स 5 6 और नीडेड गेम्स 9 सॉरी नीडेड नीडेड थिंग्स नीडेड ओके 9 हाइड एंड सीक वो घर में भी खेली खेली जाती है और बाहर भी खेली जाती है यानी इसमें प्लेयर्स होगी 2 5 बाद में 7 टाइल्स वो घर के बाहर खेली जाती है और 4 प्लेयर्स होते थिंग्स नीडेड नॉट स्टोन घर के अंदर भी खेलते हैं और 2 प्लेयर्स और 5 स्मॉल स्टोन हमें 5 पत्थर चाहिए बाद में वैसे घर के बाहर खेली जाती है 2 प्लेयर्स होते हैं कोर्ट कोर्टयार्ड में भी खेल सकते हैं। गिल्ली डंडा घर के बाहर खेली जाती है आउटडोर गेम्स 2 प्लेयर्स और हमें क्या चाहिए गिली और डंडा वो दोनों चीज़ें हमें चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। बाद में कबड्डी वो घर के बाहर खेली जाती है आउटडोर गेम्स और उसमें प्लेयर्स ज़्यादा होते हैं यानी 2 टीम होती है तो उसमें हमें 14 प्लेयर्स चाहिए 1 for 14 और वो बाहर खेली जाती है कोर्ट में। मार्बल्स घर के बाहर खेली जाती है 2 प्लेयर्स और हमें चाहिए उस गेम को खेलने के लिए मार्बल्स चाहिए। चेस घर के अंदर खेली जाती है 2 प्लेयर्स होते हैं और हमें क्या चाहिए चेस बोर्ड और चेस की चाहिए। कैरम घर के बाहर खेली जाती है इंडोर गेम 4 प्लेयर्स चाहिए कैरम बोर्ड और कीस। लूडो घर के अंदर खेली जाती है इंडोर गेम्स 4 प्लेयर्स लूडो को खेलने के लिए हमें क्या चाहिए लूडो बोर्ड और लूडो बटन। हाउस हाउस घर घर खेलने के लिए वो इंडोर गेम्स होते हैं उसमें 10 से 20 ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं और उसमें डॉल्स और टॉयस स्नैक एंड लेडर्स इंडोर गेम्स है 2 4 प्लेयर्स होते हैं और स्नैक एंड लेडर्स बोर्ड स्नैक एंड लेडर्स हमको खेलने के लिए क्या चाहिए स्नैक एंड लेडर्स बोर्ड और डाइस चाहिए। ओके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है आपको फिलअप करना है। हाउ मेनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विथ अ बॉल राइट दैट नेम्स इन द बॉल। और जो भी गेम्स में बॉल बॉल से हमें खेलना होता है वो गेम्स के नेम यहाँ पे लिखने हैं आपको। तो मैं फॉर एग्जांपल देती हूँ टेनिस क्रिकेट बास्केटबॉल वॉलीबॉल हॉकी फुटबॉल। ओके ये सारे गेम्स है जिसमें आप बॉल से खेलते हो। ओके यहाँ पे मैंने गेम से आपको पिक्चर्स देखनी है और
क्वेश्चन को रीड कर कर आपको आंसर लिखने हैं। यहाँ पे जब आपके फैमिली मेंबर्स फ्री होते हैं तो क्या करते हैं और कौन से गेम्स खेलते हैं, तो यहाँ पे ब्लैंक पेज पर आपको चित्र बनाना है, ड्राइंग बनाना है। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया।